वाले इंस्पायर इंस्टीट्यूट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, उसकी क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने सिंपल टेंसेस पढ़े हैं एक्टिव पैसिव में, उसके बाद में कॉन्टिन्यूस भी पढ़े, और आज हम थर्ड वाले जिसे बोलते हैं स्लॉट की तरफ जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस. तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम फ्यूचर परफेक्ट लेंगे. सो हियर वी गो. सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए हमें फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है. तो फॉर्मूला देख लेते हैं फटाक से. सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में लेंगे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे दो हमारे पास में ऑप्शन आएंगे, एक हो सकता है हैव, दूसरा हो सकता है हैज. भाई इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि हैव हम यूज करेंगे प्लूरल के लिए, मतलब अगर सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में आई वी यू दे, और अगर सब्जेक्ट होगा ही शी इट या फिर किसी का नाम है, गणेश है, संगीता है, इस प्रकार से, तो हम लेंगे हैज, क्योंकि ये सभी के सभी सब्जेक्ट क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, एक वचन होंगे. ठीक है, उसके बाद में वी थ्री लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे. कौन सा लेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म वी थ्री, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी हम बोलते हैं. उसके बाद में हम लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म. उसके बाद में पैसिव में आते हैं. पैसिव का जो फॉर्मूला होगा वो किसी कुछ इस प्रकार से होगा. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में लेंगे हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर भी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब के लिए दो ऑप्शंस होंगे, है और हैज. अगर सिंगल होता है तो हैज लेंगे, अगर प्लूरल होता है तो हैव लेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देखना है. यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखा था. आई रिपीट वंस अगेन, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैज को कंसिडर करते हैं, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैज को कंसिडर. ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, सिंगुलर है तो हैज ही आएगा. यहाँ पे चेयर्स होता है या फिर कोई भी प्लूरल होता है ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद में हम लेते हैं हैव. वेरी नाइस. उसके बाद में बिन लेते हैं. बिन, डू यू नो बिन? बिन हिंदी में बोलते हैं बिन, जो सांप के सामने बजाई जाती है, सांप को बोलते हैं ना, वो जो स्नेक चार्मर होता है उसके लिए वो जो यूज करता है, वो जो उसकी जो बोलते हैं ना बिन होती है, उसको बिन बोलते हैं. या फिर एक बहुत ही अच्छी जिसे बोलते हैं कहावत है, भैंस के सामने भीम बजाना, मतलब किसी ऐसे इंसान को समझाना जो समझने के कभी भी काबिल नहीं होता है. उसके बाद में वी थ्री एज यूजुअल हम लेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब होता है मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ. आई हैव प्लेड क्रिकेट का मतलब होता है मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, खेलने का कार्य पूरा हो चुका है, एक्शन हैज ऑलरेडी डन, पूरा हो गया कार्य. पैसिव में जाएंगे तो हम बोलेंगे क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, मतलब क्रिकेट खेली जा चुकी है मेरे द्वारा. इसका मतलब होता है आई हैव प्लेड क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्रिकेट हैज बीन प्लेड का मतलब होता है क्रिकेट खेली जा चुकी है मेरे द्वारा. सेकंड नंबर हैव यू प्लेड क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो. पैसिव में होगा हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट खेली जा चुकी है आपके द्वारा. नेक्स्ट नो आई हैव नॉट, या फिर इसको बोल सकते हैं नो आई हैवंट प्लेड क्रिकेट. पैसिव में होगा नो क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेली नहीं जा चुकी है मेरे द्वारा. दोबारा एक बार देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस, तो यहाँ पे मतलब हुआ नो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट का मतलब नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, यहाँ पे मतलब होगा नो क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी, मतलब क्रिकेट खेली नहीं जा चुकी है मेरे द्वारा. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आते हैं Has he played cricket? Again interrogation है, यहाँ पे interrogative sentence है. Has he played cricket? क्या वो cricket खेल चुका है? ऐसे में होगा Has cricket been played by him? क्या cricket खेली जा चुकी है उसके द्वारा. ठीक है, Last but not the least, Yes, he has played cricket. वो cricket खेल चुका है क्या? क्या है? Yes, he has played cricket. इसका मतलब होता है हाँ वो क्रिकेट खेल चुका है. पैसिव में जाने के बाद में हम बोलेंगे Yes, cricket has been played by him. हाँ, क्रिकेट खेली जा चुकी है उसके द्वारा. Understood? So here the active is there and here the passive is here. Okay? So इस प्रकार से हमने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है, उसका फॉर्मूला देख लिया है, उसके मतलब देख लिए है कि एक्टिव में उसका क्या मतलब होता है, पैसिव में उसका क्या मतलब होता है. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद वाला, बट ऑब्वियस पास्ट परफेक्ट टेंस. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट. स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर.